अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असी हाँ समाइल ग्रुप सैवन तो और उम्मीद करते हैं कि तुम सारे दोस्त खैरियत नाल होवोंगे और अल्लाह ताला तुहानू खैरियत नाल रखे। अज का साडा व्लॉग बस यही कि असी विहाड़ी जाते पे इतों जुमा पढ़न, तो मैं कासम भाई आए ने नहा नू पा, कलीमुल्ला भाई मोटरसाइकिल साहब की वागते हैं, कलीमुल्ला भाई और वसीम भाई का इंतजार की जाने, पता नहीं किन्नी देर लाते हैं होर, तो बस जुमा पढ़ना है। बुलार बानी साहब ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे एक तकरीर करने वाले, तो माशाल्लाह बुलार बानी साहब के पीछे बहुत मज़ा आता है जुमे पढ़ने का, बहुत नॉलेज के साथ। तो बस इसलिए असी हुण जान लगे सी कि तुहाडे नाल भी ये व्लॉग शेयर करें। तो अदील भाई उत्थे ने, तो फिलहाल तो असी इको मोटरसाइकिल तीन चार जने हो गए, वसीम ने उत्थे ट्यूशन पढ़नी है, उहदा भाई बाद च आएगा बाइक ते, तो लेट वो फिर उन्होंने ले आएगा। तो हुण असी निकलने हैं, बस मोटरसाइकिल साडा हो गया, बस स्टार्ट कर के लिंदा भाई मोटरसाइकिल स्टार्ट, बस कर रहे हैं। वसीम का कोई दो मिनट इंतजार है, तो टाइम तो बस नज़दीक ही जुमा स्टार्ट होगा। सो दूसरी जी भी सरगर्मी साड़ी हुई असी इंशाल्लाह तुहानू विहाड़ी जाके दिखाने हैं, तो हुण असी विहाड़ी जाना जुमा पंड पिंडों 17 किलोमीटर, तो उस तो बाद इंशाल्लाह तुहानू उत्थे जाके विहाड़ियों जुमे तो बाद मिलने हैं। कासम भाई जा रहे हैं शार्टकट, क्योंकि वो वसीम भाई चौंक खड़े ने, तो उन्होंने हूँ कलीमुल्ला भाई ले आन गया, क्योंकि देर ना हो जाए, तो असं गली गली जा रहे हैं आपकी छोटी गली, दूसरी तरफ वो आ जाएंगे, अगों दी वो आ जाते तो फिर निकलने। देर तो अगे बड़ी हो गई, 12:10 हो गया तकरीबन, तो 12:40 का जुमा स्टार्ट होंगे, उम्मीद तो है कि 30 मिनट पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, बस जाने हूँ, तो थोड़ा जहा सफ़र है साडा, बाहर सड़क पर निकल आवेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम विहाड़ी पहुंच गए थे जुमे के टाइम ही, तो हमने जुमा भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, तो स्टार्ट में आ गए थे। फिर मैं भूल जाना उर्दू, पंजाबी के बजाय उर्दू बोलन लग जाना, तो असं अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ लिया, सही टाइम पर पहुँच गया सा। तो अदील भाई पहला ही इतने आए सन सुबह के कॉलेज, ये इतने हूँ मिल गए, चार जने असं इको मोटरसाइकिल आए हैं, औखे तो होंगे आए हैं, पर इस टाइम अदील भाई ने भी इतने रहना, क्योंकि इन्हें अजे क्लास लैनी कोई डॉक्टरी वगैरह की, इन्हें अकैडमी वसीम भाई ने अकैडमी, तो मैं कलीमुल्ला तो कासम भाई जाएंगे। तो बस जुमा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, तो अब इधर से निकलते हैं तकरीबन कोई आधे घंटे तक बुलार बानी साहब से मिलने, और उसके बाद इंशाल्लाह घर, तो आगे इंशाल्लाह कुछ चीज़ भी खाते हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो और कोई जुमा सही लगे अच्छा, तू किस आया सी? पहली अजान हो गई सी। अच्छा बड़ी देर कराई सी उत्थे, फिलहाल फिर भी असीं जुमे दे इन टाइम पहुँच गए, स्टार्ट ही होया सी उत्थे बाद के असीं पहुँच गए, कासम भाई जल्दी जल्दी आ गए सन, तो मैं तो फिर सुबह दे तैयार सन। तो बुलार बानी साहब ने सानू खड़ा छड़िया बाहर, कहिंदे 2 मिनट मेरी गल सुन के जाया जे, तो असीं उन्हां दी गल सुन के तो फिर कोई चीज़ खाने, जलेबियाँ वगैरह या कोई होर फलूदा शलूदा, तो उस तो बाद इंशाल्लाह घर नूं जाने आ। और किस तरह बाबा जी जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर और सार पर चार भाई, कमाल है जी। बुलार बानी साहब ने इन्हें पिछले जुमा असी पढ़िया आन के, इन्हें सिर्फ मुहब्बत ही मैं दो, तो बहुत प्यारा जुमा होया, तो हूँ असं जा रहे रिकॉर्डिंग तो कर नहीं देंगे, बस पता नहीं क्यों नहीं कर देंगे, इन्हों की मजबूरियां ने, तो अल्लाह इन्हें मुहब्बत भी कबूल करे। ये बड़ा अजीम खतीब है, अजीम बिल्कुल, ये अजीम खतीब की मौजूदगी मैं कहना भाई मेरी गल की कोई वजन नहीं, कोई हैसीयत नहीं, इस वास्ते मैं कह देना भाई मेरा नहीं रिकॉर्डिंग कर, नहीं इन मुहब्बत है, तो मैं एक स्टूडेंट इन्हों का, तो ठीक है असं निकल हम घर, हम चले नाल ही खान जलेबियाँ वाले ने, थोड़ी थोड़ी जलेबियाँ खा ली इतों कोई, तो उस तो बाद वसीम अकैडमी जान दे दिल भाई भी, और मैं और कासम भाई जाएंगे अपने घर, तो चलो भी कढ़ो मोटरसाइकिल, आ दिल भाई का मोटरसाइकिल खड़ा है, और मेरा मोटरसाइकिल वसीम भाई कढ़न लगे कितने और जलेबियां निकल रही ने, टैट इधर बनावा जलेबियां साड़ियाँ आ गई ने, अद्धा किलो लिया ने, उम्मीद है कि बड़िया ने, क्योंकि रोटी रोटी खा के आए सा, जलेबियां का बड़ा ही माशाला टेस्ट जबरदस्त है, बड़ा मज़ा आता इन्हें जलेबियां का, बरीक बरीक जलेबियाँ और सही पकाई करके, और शीरा भी तकरीबन घट ही और गर्म गर्म मज़ेदार ने ना।
दिल भाई पैसे दे के आ गया नहीं माशाल्लाह अज परस दिखा रहे हैं हमें बिच और भी है कि चलो जी जलेबियाँ खा रही थोड़ी में बच गई ने अद्धा किलो तो भी ये हम दिल भाई अब बैग च पावन दे छापर के लगे स के एम आई ये देखें पिज़्ज़ा एंड फ्राइड चिक्स काफ़ी चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं बिरयानी शरानी काफ़ी चीज़ें ये एंड पे है तो इधर से मैं ये एक शवारमा लगा लूँ घर के लिए तो घर वाले खुश हो जाएंगे इस बात से इसलिए हमने जलेबियाँ खा ली इसलिए अब भूख नहीं है और ये भी मैं पैसे भी काटे हैं इसलिए शवारमा साढ़ा एक तैयार हो गया है तो बर्गर एक लगवा रहे हैं अम्मी जी वास्ते दो लेज ली हैं एक छोटी सिस्टर के लिए ये हम खाएंगे चल भी काके पा दे छापर दे विच फिर ये वास्ते मैं लेज लैके आया बाजार च फिर हूँ इन्हें मैं लेज ला कितने तेरी लेज ले लै मेरी भैन वास्ते लेज लैके आया हूँ ये खावेगी जाके लेज खाएंगे ना तू दस भाइयों ने बस पिंड पहुंच गया मोटरसाइकिल राज किसी ने देना सी दिल भाई ने आख्या सी ते मोटरसाइकिल दे के हुण घर नूं जा रहे हैं पैदल मंग लिया कासम भाई चले गए अदील ते वसीम भाई उत्थे रह गए अकैडमी तो कलीमुल्ला भाई भी बस इन्हों की गली आने वाली है तो उस तो बाद मैं रह जाऊंगा कल्ला फिर मैं घर उस तो बाद नमाज से सारे लड़के से टक्करने इंशाल्लाह जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए कलीमुल्ला भाई भी चले गए उसके बाद उससे पहले चले गए थे कासम भाई और दिल और वो तो बिहाड़ी रह गए थे अकेडमी में वो भी थोड़ी देर तक आ जाएंगे तो आज का बस यही व्लॉग था कि जुमा पढ़ने जाना था तो मैंने था अकेले ने लेकिन दिल में दूसरों की मोहब्बत आई कि इकट्ठे जाते हैं तो इसलिए तंग भी बल्कि हुए जाते वक्त क्योंकि दिल उधर ही था सुबह का तो वसीम और कासम भाई और कलीमुल्ला भाई और मैं चारों फिर एक ही मोटरसाइकिल पर गए थोड़ी सी परेशानी तो बनी लेकिन मोहब्बत थी बल्कि जब मोहब्बत होती ना फिर चार बल्कि पाँच छः जितने भी मोटरसाइकिल पर बैठ जाएँ तंगी महसूस नहीं होती और अगर मोहब्बत ना हो तो एक बंदा ही पीछे बैठ जाए ऐसा कि बहुत मुश्किल हो जाता सफ़र लेकिन जब मोहब्बत हो दोस्ताना तलक पर तो फिर सफ़र का पता नहीं चलता था और तकलीफ़ का पता भी नहीं चलता इसलिए मोहब्बत भी आप अल्लाह की रज़ा के लिए रखें और नेक कामों में तो बिलखसूस जितनी मोहब्बत हो सके उतनी करें तो बिल्कुल इसी नीयत के साथ उन्हें लेकर गया हूँ साथ तो अकेला भी जा सकता था एक और ले जा सकता लेकिन चार चलो चले गए इससे मोहब्बत भी बढ़ जाती है एक नेकी पर गए थे वो भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह और जुमे का भी बहुत मज़ा है बहुत नॉलेज के साथ उन्होंने बयान फरमाया और बहुत मज़ा आया तो सोच भी यही होती है कि जब भी बंदा कोई नेकी के काम हो तो दूसरों को भी साथ मिलाए खुद भी करनी होती है तो दूसरों को भी साथ मिलाए तो भाई यही व्लॉग था बहुत अच्छे लड़के हैं माशाल्लाह सारे बहुत मोहब्बत करते हैं बहुत नेकी करने वाले हैं नमाज़ें पढ़ते हैं तो इसीलिए मेरी भी उनसे बहुत मोहब्बत है मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं उनकी ज़ात पर ख़र्च करता हूँ वो भी मेरी ज़ात पर ख़र्च करते हैं बल्कि मैं घर से 250 रुपये ले कर गया है 1250 लेकर गया था उधर गोश्त वाले का भी देना था 1000 गोश्त वाले का चला गया तो सोचा था कि तेल डलवा लूँगा तेल लेकिन पहले ही बहुत था मोटरसाइकिल पे उसके बाद जलेबियाँ खाई वो दिल ने पैसे दे दिए उधर तो आते वक्त बस कार के लिए एक बर्गर ले लिया अम्मी के लिए और कार वालों के लिए एक शवारमा लगा लिया और छोटी सिस्टर के लिए लेज ले ली तो इससे वो भी खुश हो गया तो एक लेज हमने खा ली तो इसमें तकरीबन 250 रुपया था वो 1000 वैसे चला गया 250 इस कामों में लग गया और जलेबियाँ दिल भाई निकलवा दी तो ऐसी मोहब्बतें ऐसे लम्हात इंशाल्लाह आपके लिए बहुत कीमती हैं आपके लिए सदका जारिया है तो नेकी कामों में हर बंदे को साथ रखें मोहब्बत करें इंशाल्लाह वो भी नेकी करेगा आपको सवाब मिलेगा अगर आपकी वजह से तो यही बस व्लॉग था आज का जुमा हमने इकट्ठे पढ़ा इधर से इकट्ठे गए तो बहुत सुकून आया दुआओं में याद रखना खुश रहें खुशियाँ बांटें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।